गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं ये चैप्टर के थोड़े सस्पेंस वाले, थोड़े कंफ्यूजन वाले, थोड़े फंडा क्लियर करने वाले एमसीक्यू की तरफ। तो देखते हैं पहले बेस लाइन ए बी, यानी सिंपल सी बात है कि आप कोई और प्लेस पे हो और ये संख्या आसपास और घूम रहा है, ये यहां से घूम के यहां पहुंचे, इसके बीच का डिस्टेंस 6 मंथ्स है। दोस्तों 6 मंथ यानी एक ही सर्कल हो, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो 12 मंथ्स हो जाएगा। यानी जब भी 6 मंथ वर्ड आए तो याद रखना थीटा या फिर बेस, इन दोनों में से एक को डबल करना। यहां पे देख सकते हो बेस डबल हो रहा है, सीधी सी बात है। इसलिए डेटा क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। आपको बेस दे दिया है बी 3 × 10^11 मीटर, डी आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो टोटल एंगल क्या हुआ 2 थीटा, टोटल एंगल क्या हुआ 2 थीटा, यानी 2 × 1 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड 2। चलो सेकेंड में से रेडियन में जाना है दोस्तों, तो 4.85 × 10^-6 रेडियन, थीटा मिल गया, बी मिल गया। चलो फॉर्मूला पक्का, क्या था फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है, बेस अपॉन थीटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है बी? बी की वैल्यू फिक्स है 3 × 10^11 थीटा, 2 × 4 × 10^-6। चलो फटाफट कैलकुलेट कर दे। जैसे ही कैलकुलेट किया 3.09 × 10^16 मीटर आए। सर ये डिस्टेंस को मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिखूं 3.08 × 10^16 मीटर। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा 1 PC होगा। याद करो पीसी यानी पार्सेक। तो आगे मेरे आंसर नेक्स्ट। यही कॉन्सेप्ट फिर से है कि ये आपका कोई स्टार है, अर्थ को एक बार यानी यहां से एक बार देख रहे हो और घूम के वापस आए यहां से एक बार देख रहे हो, तो आपको पता चल गया कि सर इसमें रिपीट 6 मंथ वर्ड आया। तो दोस्तों उसका बेस क्या हुआ? 1 AU + 1 AU टोटल 2 AU। चलो AU नहीं रख सकते तो 1.496 × 10^11। सर डिस्टेंस देखो क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 4.29 लाइट ईयर। LY मतलब लाइट ईयर, तो लाइट ईयर में से हमें मीटर में जाना पड़ेगा, तो 4.2। चलो बच्चों लाइट ईयर की वैल्यू क्या रहती है? तो लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 × 10^15 मीटर। थीटा फाइंड कर दे, क्या था फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। बोलो दोस्तों बेस क्या आया? 2 × 1.496 × 10^11 ये 4.2 9.46 × 10^15। जो भी आंसर लाओगे बेटा वो आपका रेडियन में आएगा 7.37 × 10^-6। सर ये तो रेडियन में आया, हमें जाना है सेकंड में, तो याद करो 4.85 × 10^-6 मतलब 1 सेकंड, उल्टा लिखो तो 7.37 × 10^-6 मतलब कितना? तो आपको थीटा मिल जाएगा 1.52 सेकंड। तो दोनों में ध्यान क्या रखना है बेटा? 6 मंथ वर्ड आया, अगर 6 मंथ आता है वर्ड तो डी तो कांस्टेंट रहेगा, या एंगल डबल करो या बेस डबल करो, दोनों में से एक डबल होगा। चलो पक्का है? सिंपल सा न्यूमेरिकल, सन का मास दिया, रेडियस दिया और डेंसिटी फाइंड करो। तो दोस्तों डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सन, वॉल्यूम का मतलब 4/3,
पाई आर क्यूब, तो इसको अच्छे से लिखो, तो ये वाला 3 ऊपर चला गया, मास ऑफ सन 2 × 10⁻³⁴, 4 पाई की वैल्यू 3.14 आर 7 × 10⁸ का क्यूब। तो आप फटाफट सारी कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.4 × 10³ केजी पर मीटर। देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि आपने सिंपल सा फॉर्मूला भी सॉल्व हो गया। इन दोनों में रिपीट 6 मंथ वर्ड आए तो डबल कर देगा। देख लो अच्छे से, दो बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, बाय।